सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं एसके भट्टी। एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन एंड जॉब पर आपका स्वागत है। जी हां, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली ने एक परीक्षाओं को लेकर नया रूल जारी किया है, वो आपको अभी दिखाएंगे अभी क्या रूल जारी किया है। ये कल शाम का ही नोटिफिकेशन है 5 नवम्बर का, जो आपको दिखाएंगे अभी। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और ये देखिए 5 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, सबसे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एग्जिट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या नया रूल आया है, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, FN1/06/2021/C-2, ये जो नोटिफिकेशन नंबर है उनका, जिसके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, उसमें क्या लिखा है ये देखिए। कैंडिडेट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जिट वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स। स्टाफ सिलेक्शन ने निर्णय लिया है कि अब सभी परीक्षार्थियों का एग्जिट वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद। ये देखिए, ड्यूरिंग द एग्जिट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे आप पहले परीक्षा केंद्र में एंटर करते थे, एंटर करने के बाद वहाँ आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता था, जिसके अंदर फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन भी होता था, और उसके बाद आप जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो आपको वहाँ से एग्ज़िट कर दिया जाता था, आप परीक्षा केंद्र से बाहर आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने चेंज कर दिया है। जो प्रोसेस आपका फर्स्ट टाइम होता है एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले या अपने एग्ज़ाम सीट पर बैठने से पहले जो आपका वेरिफिकेशन होता है, वही सेम प्रोसेस अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी होगा, इसीलिए उसको एग्ज़िट वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है। तो सभी परीक्षार्थी अपना एग्ज़िट वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, उसके बिना आपका एग्ज़ाम मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए 5/11/2021 का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों इस प्रकार के आगे भी बड़े बड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।